previous section we had classified solids into two types. One was amorphous solids and the other one was crystalline solids. Now further we will subdivide crystalline solids into four types. Crystalline solids ke चार अलग अलग क्लासिफिकेशन हम अब देखेंगे. पहला क्लासिफिकेशन है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा क्लासिफिकेशन है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तीसरा क्लासिफिकेशन है मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द फाइनल वन इज मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इन चारों को हम लोग एक एक करके इनका प्रॉपर्टीज देखना है, इनका एग्जाम्पल्स देखना है. So first let us start with the ionic crystalline solids. As the name suggests, ionic matlab ions. Ionic ka matlab hai isme ions hai. Sabse simple example wo chemical compound jo hum log school se padhte aa rahe hain jisme ions hote hain, that is common salt. Jo hum log ka namak hai, namak is sodium chloride, usme sodium cation hai और क्लोराइड एनायन है. सोडियम इज द कैटायन, क्लोराइड इज द एनायन. इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर. सोडियम कैटायन, क्लोराइड एनायन, सोडियम कैटायन, क्लोराइड एनायन, इनके बीच में देर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन विच इज पॉजिटिव एंड एनायन विच इज नेगेटिव. ओके, फिर हार्ड है या सॉफ्ट है, तो सोडियम क्लोराइड एज यू नो इज हार्ड. जैसे कॉमन सॉल्ट का अगर हम लोग लंप ले, कॉमन सॉल्ट को क्रिस्टलाइन फॉर्म में, थोड़ा बड़ा फॉर्म में देखे, लंप फॉर्म में देखे, तो इट इज वेरी वेरी हार्ड. और अगर किसी तरह से हम लोग ने उसको हथौड़े से या किसी से तोड़ा तो उसका चूरा हो जाता है, पाउडर हो जाता है. दैट मीन्स इट इज ब्रिटल, इट इज हार्ड. वी कैन नॉट इजीली ब्रेक इट बाय अवर हैंड, बट इफ वी यूज अ हैमर और सम वेट इन दैट केस इट ब्रेक्स इनटू पाउडर फॉर्म एंड दैट प्रॉपर्टी इज द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ऑफ द सोडियम क्लोराइड. तो जो आयोनिक crystalline solids है they are hard as well as they are brittle because upon hammering them we get them in powdered form, so they are brittle. Brittle मतलब powder form में आ जाते हैं. Then about the melting point. Melting point as you know is high because sodium is positive, chlorine is negative. So positive और negative के बीच में काफी strong electrostatic forces of attraction है. इसकी वजह से ये दोनों कैटायन और एनायन जुदा होना नहीं चाहते, तो जुदा होना नहीं चाहते तो इनको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर लगेगा. सो वी नीड हाई टेम्परेचर टू मेल्ट आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. फाइनली टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिविटी, अगर हम लोग प्योर, मान लो प्योर सोडियम क्लोराइड ले ले लंप के फॉर्म में, तो क्या नमक लंप ये जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करेगा या हीट को कंडक्ट करने देगा अपने से? तो नो, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट यस, इफ वी टेक देम इन मोल्टेन स्टेट या फिर डिसॉल्व स्टेट, फ्यूज्ड एनएसीएल ले लो जैसे मेल्ट होने के बाद, या फिर उसको पानी में डिसॉल्व कर लो, तो उस केस में दे सेपरेट इंटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन्स. सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा. वी हैड स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड हाइड्रोलिसिस, वहां पे हम लोग ने देखा है. तो उस केस में दे विल हैव मोर कंडक्टिविटी, दे विल हैव गुड कंडक्टिविटी. तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं मोल्टेन स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में. नाउ कमिंग टू कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज द नेम सजेस्ट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे सोडियम और क्लोरीन में, क्लोरीन ने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. ओके, तो इसीलिए देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस लीडिंग टू द आयोनिक बॉन्ड. जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर डायमंड का स्ट्रक्चर दें,
तो डायमंड में हम लोग के पास कार्बन का टेट्राहेड्रल यूनिट सेल होता है। तो टेट्राहेड्रल मतलब हमारे पास एक कार्बन एटम है जो चार और कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, एंड दिस चेन कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस। इस कार्बन ने इन चार कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया, ये कार्बन भी अपने आजू बाजू चार कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन एटम भी अपने आजू बाजू चार एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड दैट चेन विल कंटिन्यू फर्दर एंड लीड्स टू अ क्रिस्टलाइन कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड डायमंड हमारा एग्जाम्पल है। फिर इसमें कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्सेस आर ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड दे आर हार्ड। इनफैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, इससे ज्यादा हार्ड और कोई सब्सटेंस नेचर में नहीं है। इट इज यूज टू कट इवन ग्रेनाइट, डायमंड को हम लोग ग्रेनाइट भी कट करने के लिए यूज करते हैं। ओके फिर उसके बाद कंडक्टिविटी इज पुअर except for diamond and graphite. Diamond and graphite are good conductors, but overall, if we say generally, the covalent compounds, the covalent crystalline solids, they are generally bad conductors, poor conductors of heat and electricity, except diamond and graphite. Okay. Now coming to our next classification, which is molecular crystalline solids. As the name suggests, यहाँ पे molecules के बीच में bond होगा। मॉलिक्यूलर वर्ड कहां से आएगा, बिकॉज देयर इज बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आइस। आइस एज यू नो इज फॉर्म बाय वाटर, वाटर इज H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये तो हम लोग का सिर्फ वाटर का एक मॉलिक्यूल हुआ, वाटर के एक मॉलिक्यूल से आइस नहीं बनेगा। मेनी मेनी वॉटर मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर बनाएगा। वी विल सी व्हाट लैटिस मींस इन अवर लेटर सेक्शन, बट देयर विल बी अ लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन आइस फॉर्म में रहेगा ड्यू टू लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ मेनी मेनी H2O मॉलिक्यूल्स पुट टूगेदर। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, इसीलिए दे आर क्लासिफाइड एज मॉलिक्यूलर crystalline solids. Coming to the constituent particles, as I told you, is H2O molecules. H2O molecules are the constituent crystalline constituents. फिर उसके बाद what are the forces here? They are dipole-dipole forces. Dipole-dipole क्यों? क्योंकि oxygen electronegative है, तो oxygen के पास negative charge होगा, hydrogen electropositive है, तो hydrogen के पास positive charge होगा. So there will be small positive charge on the hydrogen and a small negative charge on the oxygen due to the higher electronegativity of oxygen. So yahan pe dipole ban gaya ki nahi, negative positive matlab dipole. So ye ek H2O molecule hai, ye ek dipole hai, aur waise hi dusra H2O molecule hoga, iske niche we will have with this oxygen we have bond with these two hydrogen. This is for a single molecule. लेकिन इस ऑक्सीजन के नीचे भी H2O molecule रहेगा और ये ऑक्सीजन उनके हाइड्रोजन के साथ भी एक dipole dipole interaction वाला bond बनाएगा, एक weak bond बनाएगा, एक temporary bond बनाएगा, and these forces are called as London forces. London forces are weak forces. They are temporary dipole dipole interaction. Why is this a dipole? Because of the difference in electronegativity between the oxygen and hydrogen atoms. Okay, तो यहाँ पे dipole formation होगा and dipole dipole interaction forces रहेंगे. फिर these are soft, as you know, ice is relatively soft as compared to diamond and sodium chloride का crystal. तो उनके comparison में ice is relatively काफी soft रहेगा. फिर उसके बाद melting point of ice, as you know, is 0 degree Celsius, which is low. Okay. फिर finally the गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आइस एज यू नो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हेंस इट इज यूज्ड टू मेक इग्लूज। अगर स्कूल में तुमने पढ़ा रहेगा, इग्लू जो होता है, जो जहां पे ठंडी बहुत ही कोल्ड कंट्रीज है वहां पे इग्लू जो घर बनता है वो आइस का ही बनता है। आइस का घर बनाने का फायदा क्या है? इट इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो बाहर का ठंडी अंदर आने नहीं देगा, अंदर का गर्मी बाहर जाने नहीं देगा,
even it is a bad conductor of electricity as well. So conductivity is poor. Then coming to metallic solids. Metallic solids, as the name suggests, comprises of metals. Metals जैसे copper हो गया, iron हो गया, gold हो गया, silver हो गया. तो ऐसे जो है metals के बीच में जो bond बनता है, that is called as metallic crystalline solids. Copper, iron, aluminium. तो example ले लेते हैं copper, जैसे iron का example यहाँ पे हमने लिखा है. Iron का structure अगर हम लोग देखेंगे, Hofburg principle के हिसाब से तुम बनाओ, तो वहाँ पे 3D shell में electrons होंगे. 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो रहेगा वो 3d इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, व्हाट यू विल फाइंड व्हेन यू विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आयन एज पर द ऑफबो प्रिंसिपल, यू विल फाइंड दैट देर आर फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. चार इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे. तो दैट सेट ऑफ आयन जो एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसमें बहुत सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और चार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि अनपेयर्ड रहेंगे. व्हेन यू मेक दैट फाइनल डी ऑर्बिटल, तो फाइनल डी ऑर्बिटल जब बनाओगे तो वहां पे तुम देखोगे, तो वी हैव हाउ मेनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, 1 2 3 4 5, और फाइनली यहां पे इलेक्ट्रॉन. तो दीज फोर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आयन. तो ये आयन का जो एटम है, इसमें चार मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता दिए. ऐसे ही दूसरे आयन का एटम होगा जिसमें चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे ही तीसरा आयन का एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और ये जो सिंगल सिंगल जो है, इनको हम लोग बोल देते हैं कर्नल. कर्नल मतलब क्या? कर्नल मीन्स आयन विथ इट्स फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. उसके इनर शेल तो इलेक्ट्रॉन है ही, जो कि पेयर्ड है. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. और फिर क्या होगा? वी विल हैव 1 kernel, 2 kernel, 3 kernel, 4 kernel, मेनी मेनी kernels विल बी देयर थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड. एंड व्हाट वी विल फाइंड इज देयर विल बी मेनी मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बहुत सारे, वो चार इलेक्ट्रॉन इसने दिए, चार फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए, चार इसने दिए, चार इसने दिए. तो ऐसे करके देयर विल बी मेनी 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 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द वॉल्यूम, एंड दैट इज नोन एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ पूरा मेटल का वॉल्यूम रहेगा, और उसमें देयर विल बी कर्नल्स एवरीवेयर. आयन के जो न्यूक्लियस है, आयन का जो कर्नल है, दैट विल बी लोकेटेड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो बॉन्ड है ऐसा, तो दैट बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ आयन एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड. तो ये मेटालिक बॉन्ड कॉपर में होगा, आयन में होगा, गोल्ड में होगा. सो मेटल आयन्स विल बी डिस्पर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and these bonds formed are known as metallic bonds. They are soft as well as hard depending on metal to metal. They can be hard, they can be soft depending on which metal we are talking about. Finally, the melting point is variable. Yahan pe melting point kafi vary hota hai, high bhi nahi bol sakte, low bhi nahi bol sakte. Ek bada range hai, melting point is wide range. And as you know, metals are good conductors of electricity. तो चाहे कॉपर हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, ऑल ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट. नाउ दिस इज हाउ वी क्लासिफाई आवर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज आई टोल्ड कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड फाइनली मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एंड देयर प्रॉपर्टीज वी हैव टू रिमेंबर टू सम एक्सटेंट.